हाय स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स में हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसकी टाइप्स पढ़ेंगे, स्टिकी एंड्स और ब्लंट एंड्स के बारे में पढ़ेंगे और एंड पे हम देखेंगे कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की नोमेनक्लेचर के लिए कौन सा सिस्टम जो है वो अडॉप्ट किया जाता है। तो बढ़ते हैं हम लेक्चर की तरफ। तो स्टूडेंट्स, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, असल में ये बैक्टीरियल एंजाइम्स हैं। बैक्टीरियल एंजाइम्स हैं, यानी ये बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। बैक्टीरिया में क्या करते हैं? तो स्टूडेंट्स, ये एंजाइम्स रिकॉग्नाइज करते हैं। किस चीज को रिकॉग्नाइज करते हैं? स्पेसिफिक सीक्वेंस को। स्पेसिफिक सीक्वेंस को ये रिकॉग्नाइज करते हैं। किसका स्पेसिफिक सीक्वेंस? न्यूक्लिक एसिड का। न्यूक्लिक एसिड के स्पेसिफिक सीक्वेंस को ये रिकॉग्नाइज करते हैं। उस स्पेसिफिक सीक्वेंस को हम रिस्ट्रिक्शन साइट्स कहते हैं। रिस्ट्रिक्शन साइट। और स्टूडेंट्स, रिस्ट्रिक्शन साइट्स जो हैं, ये हो सकती हैं 4 to 6 बेस पेयर्स। स्टूडेंट्स, जो न्यूक्लिक एसिड है ये बेस पेयर से बना है, तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स 4 to 6 बेस पेयर्स को रिकॉग्नाइज करते हैं और फिर इन्हें क्लीव कर देते हैं यहां से, यानी काट देते हैं, कट कर देते हैं न्यूक्लिक एसिड को। तो न्यूक्लिक एसिड को इन सीक्वेंस से कट कर दिया जाता है by restriction enzymes। असल में ये बैक्टीरिया का डिफेंस सिस्टम बनाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया जो है उस पे भी वेरियस पैथोजन अटैक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वायरस। डिफरेंट वायरसेस जो है स्टूडेंट्स, वो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं और बैक्टीरिया के अंदर अपना न्यूक्लिक एसिड इंजेक्ट कर देते हैं वायरसेस। उनका मकसद, बैक्टीरिया के अंदर अपना न्यूक्लिक एसिड इंजेक्ट करने के बाद अपनी असेंबली रिप्रोडक्शन कराना है। तो जैसे ही ये न्यूक्लिक एसिड इंजेक्ट करते हैं तो बैक्टीरिया के अंदर एंजाइम्स मौजूद हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो हैं वो उस न्यूक्लिक एसिड को कट कर देते हैं फ्रैगमेंट्स में। तो जब फॉरेन न्यूक्लिक एसिड, बाहर से आने वाला न्यूक्लिक एसिड डिफरेंट फ्रैगमेंट्स में कट हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो वो नकारा हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं होगा। तो ये फंक्शन है हमारे पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का बैक्टीरिया में। तो स्टूडेंट्स, इसकी टाइप्स, वेरियस टाइप्स हो सकती हैं, डिफरेंट बेसिस हम बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इसकी दो टाइप्स हैं, एक है एक्सोन्यूक्लिएज। एक्सोन्यूक्लिएज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, और दूसरी है स्टूडेंट्स हमारे पास एंडोन्यूक्लिएज। एंडोन्यूक्लिएज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये दो हमारे पास टाइप्स हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास डीएनए का मैं एक मॉलिक्यूल बना रहा हूं। हम जानते हैं कि डीएनए का मॉलिक्यूल 2 स्ट्रैंड से मिलकर बना है। एक स्ट्रैंड हमारे पास 5 to 3 है, जबकि दूसरा
3 to 5 है। तो डीएनए जो है दो स्ट्रैंड से मिलकर बना है और ये दो स्ट्रैंड जो है एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। तो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम एक एंड से शुरू करता है स्टूडेंट्स, इसे काटना, कट करना, इसे उतरना, ऐसे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में क्या कर देता है, काट देता है, उसे कट कर देता है। तो हम एक्सोन्यूक्लियस को कह सकते हैं इट क्लीव्स डीएनए और आरएनए। ये आरएनए और डीएनए को क्लीव करता है फ्रॉम वन एंड। तो स्टूडेंट्स ये एक एंड से स्टार्ट करता है। अगर ये हमारे पास एक न्यूक्लिक एसिड हो और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इसे एक एंड से काटना शुरू कर दे, उतरना शुरू कर दे, तो हम कहेंगे ये एक्सोन्यूक्लियस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। अब हम बात करेंगे एंडोन्यूक्लियस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की। तो स्टूडेंट्स ये डीएनए का मॉलिक्यूल है हमारे पास, अगर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से विद इन मॉलिक्यूल के अंदर से क्लीव करें तो हम कहेंगे इट क्लीव डीएनए को भी स्टूडेंट्स ये क्लीव कर सकता है और आरएनए को भी क्लीव कर सकता है विद इन द मॉलिक्यूल, यानी ये क्लीव करता है मॉलिक्यूल के अंदर जाके। ये हमारे पास डीएनए का मॉलिक्यूल है, अंदर जाके ये क्लीव करता है, साइड से नहीं स्टार्ट करता। तो ऐसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को स्टूडेंट्स हम एंडोन्यूक्लियस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम देंगे। तो हमारे पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो हैं वो दो तरह के हो गए, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। तो स्टूडेंट्स रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम मॉलिक्यूलर सीजर्स का नाम भी दे सकते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर्स, यानी ये मॉलिक्यूल को न्यूक्लिक एसिड को कट करने के काम आती हैं, इसलिए इसे हम मॉलिक्यूलर सीजर का नाम देंगे। एक और बेसिस है इसकी टाइप्स बनाने के, साइट ऑफ क्लीवेज। तो स्टूडेंट साइट ऑफ क्लीवेज की बेसिस पे अगर हम इसकी टाइप्स डिस्कस करें तो हमारे पास साइट ऑफ क्लीवेज की बेस पे हमारे पास इसकी तीन साइट्स हैं, तीन टाइप्स हैं, टाइप वन, टाइप टू और टाइप थ्री। तीन टाइप्स हैं हमारे पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की। तो स्टूडेंट्स इसमें जो टाइप टू है ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट है, ये हमारे पास हम इसे यूज करते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जिसमें हम क्या करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रोसेस भी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कराया जाता है। तो स्टूडेंट्स जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है उसमें जो यूज होते हैं हमारे पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, हमारा डीएनए जो हमारा सैंपल है उसको कट करने के लिए, वो कौन से होते हैं, टाइप टू। इसमें भी स्टूडेंट्स हमारे पास तकरीबन 150 के करीब जो है अब तक डिस्कवर्ड हो चुके हैं जो यूज हो सकते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। तो ये दो तरह के हो सकते हैं, एक है हमारे पास
फोर बेस कटर है स्टूडेंट्स, और दूसरा हमारे पास है सिक्स बेस कटर। नाम से जाहिर है न्यूक्लिक एसिड जो है वो बेसिस से मिलकर बना है, तो अगर न्यूक्लिक एसिड को, ये न्यूक्लिक एसिड है, ये उसके बेस पेयर्स हैं, तो अगर कोई यानी यहां से यहां तक काट दे और उसमें हमारे पास फोर बेस पेयर्स हो तो इसे हम फोर बेस कटर कहेंगे। अगर ये यहां से लेके यहां तक काटेगा तो ये सिक्स बेस पेयर कटर कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स, फोर बेस कटर जो है उससे जो डीएनए के फ्रैगमेंट्स बनेंगे हमारे पास, तो जो हमारे पास फोर बेस पेयर कटर है ये डीएनए को कट कर देगा स्मॉल फ्रैगमेंट्स में। जो फ्रैगमेंट्स होंगे उनमें हमारे पास फोर बेस पेयर्स होंगे, जबकि सिक्स बेस कटर जो है ये लार्ज फ्रैगमेंट्स में उसमें डीएनए को काटेगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास टाइप्स आ गई, डिफरेंट बेसिस पे टाइप्स हैं। पहले बेस पे है हमारे पास फर्स्ट वन एक्सोन्यूक्लियस, सेकेंड एंडोन्यूक्लियस, फिर ऑन द बेस पे था साइट ऑफ क्लीवेज की बेस पे हमारे पास टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री, और फिर हमारे पास है फोर बेस पेयर कटर और सिक्स बेस कटर। तो डिफरेंट बेसिस हैं हमारे पास इसको टाइप्स इसकी बनाने के लिए। तो स्टूडेंट्स, दो तरह के एंड में काटा जा सकता है। एक हमारे पास है स्टिकी एंड्स, हम स्टिकी एंड्स देखते हैं कि स्टिकी एंड्स क्या है, किस तरह से उसे बनाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक डीएनए है, उसका एक स्ट्रैंड है, 3 to 5 स्ट्रैंड है, जबकि दूसरा स्ट्रैंड हमारे पास 3 to 5 है। इसमें डिफरेंट बेस पेयर्स हैं। अगर हमारे पास जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसने स्टूडेंट्स यहां से एक स्ट्रैंड को काटा, सीधा नहीं किया, इधर से ऐसे यहां से स्ट्रैंड को काट दिया, तो ये दो अलहदा जब होंगे हमारे पास इस तरह से ये आ जाएगी, और इधर से जो है हमारे पास ये दो फ्रैगमेंट्स बन गए। तो स्टूडेंट्स, ये और ये एंड जो बना इसे हम क्या कहते हैं, स्टिकी एंड का नाम देते हैं। तो हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है इको आर वन। इको आर वन जो है जब ये न्यूक्लिक एसिड को कट करता है, क्लीव करता है, तो ये इस तरह से स्टिकी एंड्स बना देता है। ब्लंट एंड्स ये हैं स्टूडेंट्स कि ये हमारे पास डीएनए का मॉलिक्यूल है, दो स्ट्रैंड से मिलकर बना है, और एक हमारे पास स्ट्रैंड स्टूडेंट 5 to 3 है, दूसरा 3 to 5 है। अगर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इस स्ट्रैंड को काटता हुआ ऐसे निकल जाए आगे, तो नतीजा तक इस तरह के फ्रेगमेंट्स हमारे पास हासिल हो जाएंगे। ये जो एंड है इन एंड्स को हम स्टूडेंट्स कहते हैं ब्लंट एंड्स। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स दो तरह के एंड्स बना सकते हैं, एक ब्लंट एंड्स हैं और दूसरे जो है हमारे पास स्टिकी एंड्स हैं। अब हम स्टिकी एंड्स काटने वाले एंजाइम का नाम एग्जांपल हमने देखी इको आर वन, इसकी एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास है
एच ए ई थ्री, ये एक एंजाइम है, तो ये जो है ब्लड ट्रांसमिट आता है। अब स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि नॉमन क्लेचर कि इसको नेमिंग कैसे देंगे, कौन सा सिस्टम जो है वो अडॉप्ट करेंगे, ये इको आर वन नाम कैसे दिया गया, एच ए ई थ्री नाम जो है वो कैसे दिया गया, ये हम देखते हैं। तो हमारे पास दो साइंटिस्ट थे, स्मिथ एंड नेथन। स्टूडेंट ये दो साइंटिस्ट हैं, दो बायोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने 1973 में एक सिस्टम मुतारिफ कराया नॉमन क्लेचर का। किसकी नॉमन क्लेचर का? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की नॉमन क्लेचर कैसे की जाती है, इको आर वन नाम कैसे रखा गया। तो हम देखते हैं नॉमन क्लेचर क्या है। तो स्टूडेंट्स इसके चंद पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट है हमारे पास जो नाम का फर्स्ट लेटर है वो लिया जाता है बैक्टीरिया के जीनस का फर्स्ट लेटर। कौन सा बैक्टीरिया स्टूडेंट्स? जिससे वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लिया गया है। जैसे हम यहां लिखते हैं इको आर वन, ये फर्स्ट लेटर है, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो ये कहां से लिया गया है? बैक्टीरिया का जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन सा बैक्टीरिया? जिससे ये एंजाइम एक्सट्रैक्ट किया गया है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक बैक्टीरिया है इसर्शिया कोलाई, इसर्शिया कोलाई। तो ये ई जो है यहां से ये लिया गया है, ये जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारे पास कौन सा लेटर है? फर्स्ट लेटर है इसर्शिया कोलाई। सेकंड देखें, जो सेकंड लेटर है वो स्टूडेंट इसकी बैक्टीरिया की स्पीशी को रिप्रेजेंट करता है। स्पीशी कौन सी? जैसे ये हमारे पास कोलाई है, तो ये सेकंड लेटर है स्टूडेंट सी ओ, ये स्पीशी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जबकि स्टूडेंट्स हमारे पास जो थर्ड लेटर है वो बैक्टीरिया के स्ट्रेन को जाहिर करता है। स्ट्रेन दो तरह का हो सकता है, जैसे स्मूथ और रफ, स्मूथ या रफ। तो आर जो है ये बैक्टीरिया का स्ट्रेन है, जो स्ट्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स ये वन क्या है? वन जो है ये है नंबर ऑफ डिस्कवर्ड एंजाइम। जाहिर बात है इसर्शिया कोलाई जो एक बैक्टीरिया है उसमें बहुत सारे एंजाइम होंगे और डिस्कवर भी हो चुके होंगे। तो ये वन जो है इसका मतलब ये है कि इसर्शिया कोलाई से सबसे पहले ये डिस्कवर हुआ था। जब दूसरा हुआ होगा उसको इको आर टू कहेंगे, जो थर्ड हुआ होगा उसे हम इको आर थ्री कहेंगे। तो इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें तो एक बैक्टीरिया है हमारे पास ह्यूमोफिलस। स्टूडेंट्स ह्यूमोफिलस एजेप्टस, तो एच जो है ये स्टूडेंट्स इसकी जीनस को रिप्रेजेंट कर, ए इसकी स्पीशी को रिप्रेजेंट कर। तो स्टूडेंट्स इसमें आर या एस नहीं है, स्ट्रेन नहीं है, थर्ड इसकी डिस्कवरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब है इस बैक्टीरिया से तीन और एंजाइम जो है वो
इससे पहले दो और एंजाइम जो है वो डिस्कवर हो चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा टॉपिक था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। थैंक यू वेरी मच।